नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बरेली में आईटीआर की जमीन पर बनेगा 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। आईटीआर की जमीन पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाने की कवायद तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, शहर विधायक और भाजपा नेताओं ने एक साथ मिलकर आईटीआर फैक्ट्री का लिया जायजा। भारतीय किसान मोर्चा ने सांसदों का पुतला फूंकने का किया प्रयास। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं से पुलिस की हुई हाथापाई। सुभाष नगर में दबंगों की मारपीट पर दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। सीओ समेत 9 पुलिसकर्मी हुए सेवानिवृत्त, एसएसपी ने दी विदाई। शराबी पति ने दहेज की खातिर महिला को घर से निकाला। बरेली थाना बारादरी क्षेत्र के कटरा चांद खा का ये मामला। महिला ने एसएसपी से की मामले की शिकायत। सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने निकाली साइकिल रैली। सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। किसानों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में एकता संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। आंवला में किया जोर शोर से प्रदर्शन। डिलीवरी के समय नवजात शिशु की मौत। आंवला में प्राइवेट डॉक्टर की लापरवाही से बिगड़ी प्रसूता की हालत। डीएम से की मामले की शिकायत। सुभाष नगर थाना अध्यक्ष ने जीती कोरोना से जंग। ड्यूटी पर वापस लौटे एसएचओ।